बिजली की करंट लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हम आपको पूरा मामला बता दें, घर पर बिजली का काम करते हुए यह हादसा हो गया है। डेलमो कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद का है पूरा मामला। राम खिलावन उम्र लगभग 20 वर्ष, टूटी हुई बल्ली को सही कर रहे थे, तभी वह करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने उनके पिता अयोध्या प्रसाद पहुंचे, तो अभी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों के द्वारा दोनों लोगों को डलमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम आपको बता दें, घर पर बिजली का काम करते हुए यह हादसा हो गया है, जहां पर पिता और पुत्र की दोनों की बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला डलमो कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद का है। S7 के लिए अनुपम मित्रा के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुंकी तिवारी, जहांगीराबाद। क्या मामला है? मामला यह है कि हमें यहाँ बिजली का तार से दो लोग चपेट में आ गए हैं। चपेट में आ गए, वो बिजली सही करत रहे हैं। केबिल बहुत दूर का है, केबिल सही करत रहे हैं। बिजली विभाग के इतनी लापरवाही कि खंभा दो साल से टूटे पड़े हैं, खंभा सही नहीं करत। जो उन्हें लगाए हैं 100 मीटर दूर से नहीं, केबल लगाए हैं तो 200 मीटर, जब 100 मीटर दूर से केबल लगाए तो वो बारिश की वजह से इनके बल्ली टूट गई है। अभी बल्ली सही करते रहे, वही में करंट की चपेट में ही आ गए। अहमद दो लोग हैं, एक राम मोहन, राम खिलावन और अयोध्या प्रसाद, दो लोग हैं, बाप बेटा।